मार्क्सवादी पार्टी प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि व इससे हो रही मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और इन हालात के लिए सरकार की इससे निपटने के लिए ढुलमुल रवैया व लचर व्यवस्था को मुख्यतः उत्तरदायी मानती है। सरकार की इस लचर कार्य प्रणाली के कारण जिस रूप से मुख्यमंत्री आइसोलेशन में हैं, इनके मंत्रिमंडल में मंत्री व इनके परिवार के सदस्य, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी तथा सत्तादल के नेतागण व इनके साथ साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस व अन्य कर्मचारी जो इसमें कार्य कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और इनमें से कुछ को जान तक गंवानी पड़ी है। इससे सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री की सुरक्षा में भी कोविड-19 को लेकर तय नियमों को भी सरकार ने ताक पर रख दिया था। इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार द्वारा मार्च में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगाने के पश्चात जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई, मात्र दिखावे के लिए केवल दकियानुसी राजनीति व अतार्किक कार्यक्रम मीडिया में इसके प्रचार व प्रसार में ही लगी रही। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जो जिस तरीके से प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ इससे संक्रमित लोगों की जो मृत्यु में जो है बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है। और हमारी पार्टी का मानना ये है कि आज जो इस प्रकार के हालत प्रदेश में पैदा हुए हैं, जो सरकार की जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो लचर व्यवस्था है, उसके कारण आज ये हालत है। और आज बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आइसोलेशन में है, जो मंत्री हैं और उनके परिवार जो है, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और इनके साथ साथ जो भाजपा के नेतागण हैं वो, और इसके अलावा जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, वो अन्य कर्मचारी है, वो भी बड़े पैमाने पर जो है आज प्रदेश में इससे संक्रमित हुए हैं और इनमें से कुछ लोगों की जो है वो जान भी गई है। ये अगर देखा जाए कि जिस प्रकार की सरकार की जो है वो तैयारियां हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो प्रदेश के दौरे पर आए थे, उनकी सुरक्षा भी जो है वो प्रदेश सरकार ने जो है पूरी तरह से ताक पे रखी है। सीपीएम का मानना यह है कि ये पूरी तरह से सरकार जो है इस पर कोताही बरत रही है। और आज जो कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या जो 16,000 पार होगी और करीब 220 से ज्यादा लोगों की जो है वो जान गई है, ये सरकार की लचर कार्यप्रणाली के चलते आज प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हालत हुई है। आज अगर हम देखें जिस प्रकार से मार्च में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया था, बावजूद इसके जो देश और प्रदेश की जनता है उसने इसकी जो है अनुपालना की और अपनी रोजी रोटी को जो है दांव पे लगाकर जो है पूरी तरह से सरकार के आदेशों को जो है वो माना। और आज अगर हम देखें जिस प्रकार से सरकार को स्वास्थ्य सेवा व अन्य सेवाओं को जो है वो मजबूत करने के लिए, इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जो है कार्य करना चाहिए था, वो सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया। और सरकार पूरी तरह से इस दौरान में तकियानुसी राजनीति और जो है अतार्किक कार्य करते रहे, जिसमें मुख्यतः जो है जनता से कहती रही ताली थाली बजाओ, प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री स्वयं जो है कोरोना मुक्ति के लिए यज्ञ करते दिखे गए। ये जो है किसी भी लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार से जो है ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सीपीएम आज मांग करती है कि तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व इससे जिस तरीके से मृत्यु हो रही है, प्रदेश की सरकार जो है तुरंत संजीदा कदम उठाए और इसके लिए जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए एक युद्ध स्तर की रणनीति तय करे। किसी जो पूरा एक्सपीरियंस्ड नेतृत्व है उसके नेतृत्व में जो है वो एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों के जो है विशेषज्ञ हो। और इसके अलावा जो है जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी चल रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है, अन्य स्टाफ की कमी चल रही है, उनकी भर्ती जो है तुरंत की जाए, ताकि जो है जो कोविड संक्रमित मरीज हैं और जो अन्य मरीज हैं आज इलाज के बिना जो है पूरे प्रदेश में अस्पतालों में जो है वो छूट गए हैं, उनको जो है उचित जो है इलाज मिल सके। और इसके साथ साथ हमारी
पार्टी सीपीएम मांग करती है कि तुरंत जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी लोगों को साथ लेकर जो है इसके लिए जो है ठोस इंतजाम करें। अगर सरकार की कार्यप्रणाली जो है इसी प्रकार से लचर रहेगी और इसी प्रकार से अगर कोविड संक्रमण जो है प्रदेश में बढ़ता रहेगा तो सीपीएम जो है आने वाले समय में प्रदेश सरकार की इस लचर व्यवस्था, जिसका जो है अभी उदाहरण हमारे रिपन हॉस्पिटल में जो एक महिला ने आत्महत्या की है, और जो ये यहां पर जो मंत्री हैं जो उपचाराधीन थे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के अंदर, उन्होंने जो है उस लचर व्यवस्था का जो है अभी हवाला दिया था अपनी एक वीडियो के अंदर, और अन्य जो संक्रमित मरीज है उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसको देखते हुए अगर सही जो है कदम नहीं उठाएगी तो सीपीएम जो है आने वाले समय में प्रदेश सरकार के इस लचर व्यवस्था के खिलाफ जो है आंदोलन जनता के साथ मिलकर जो है चलाएगी। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।